आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी। किसी का आवागमन बंद नहीं, आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरोध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है एक कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सबके बराबर लागू होता है, सबके बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान होता है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है, बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके अनुयायी रहते हैं, लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी। किसी का आवागमन बंद नहीं, आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरोध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है एक कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सबके बराबर लागू होता है, सबके बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान होता है। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है, एक जवाबदेह शासन होता है। लेकिन शासन और जनमानस के बीच में, आम जनता के बीच में जो सेतु का काम करेगा, एक संवेदनशील प्रशासन ही करेगा। उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसी को कार्य कर